Hey guys, welcome back. In this video, we will be talking about top 10 places nearby Bangalore within 200 kilometers of range where you can plan day out trips with your friends and families. We will also discuss some points about those destinations which will help you plan better. So please watch entire video and don't skip. If you are new to this channel, then please hit the subscribe button. You can also press the bell icon so that whenever we upload any video, you will get the notification. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले डेस्टिनेशन हमारी लिस्ट में है बिग बनियन ट्री. ये बेंगलोर से 30 किलोमीटर के आसपास है. पहुंचने में आपको ऑलमोस्ट एक घंटा लग जाएगा. यहाँ पे 400 साल पुराना बरगद का पेड़ है बनियन ट्री, तो देखने में बहुत ही सुंदर है. हालांकि अभी थोड़ा सा टूट गया है क्योंकि कमज़ोर हो गया था, आंधी तूफान आते रहते हैं, बट वो बहुत सुंदर है देखने के लिए. आप वहाँ जा सकते हो. आसपास आपको खाने के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे और रास्ते में बहुत सारी बड़ी बड़ी होलसेल नर्सरीज के वेयर हाउसेस हैं. तो आप अगर प्लांट परचेज करना चाहते हो सस्ते में, चीप रेट में बेंगलोर से, तो आप उन नर्सरीज में भी विजिट कर सकते हो. आप ऐसे प्लान कर सकते हो कि आप बनियन ट्री विजिट करें और रिटर्न में नर्सरीज होते हुए प्लांट परचेज करते हुए वापस आपका जर्नी कंप्लीट कर सकते हो. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन. सो अगली जगह हमारी लिस्ट में है नंदी हिल्स. ये बेंगलोर से 60 किलोमीटर है. डिपेंड करता है बेंगलोर में कहाँ से स्टार्ट करो. मैं HSR के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, आपको 60 किलोमीटर पड़ता है. बेसिकली यहाँ का सनराइज और सनसेट फेमस है. नंदी हिल पहुँचने के लिए आपको बेंगलोर से कम 3:30 बजे निकलना पड़ेगा. मैं तो बोल रहा हूँ कि और जल्दी निकल सको तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में. प्लस वहाँ सुबह सुबह बहुत क्राउड हो जाता है, बहुत भीड़ हो जाती है. इसके अलावा नंदी हिल के आसपास नीचे बहुत सारे कैंपिंग ग्राउंड्स भी हैं. वहाँ पे आप नॉमिनल पैसा देके और नाइट स्पेंड कर सकते हो कैंप में, और सुबह से ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हो. वो लोग वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं. मुझे जो भी पता है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा इस बारे में. आप उन कैंप्स में रुक के सुबह से साइकिल से भी जा सकते हो या फिर ट्रैकिंग भी कर सकते हो. नंदी हिल के खुद के भी ऊपर रूम्स हैं या स्टेज हैं, तो आप वहाँ पे भी रुक सकते हो. वो भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास. सो अब बढ़ते हैं हम हमारी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है मंदारागिरी हिल्स. इसको हमने क्लब किया है डीडी हिल्स के साथ में. अब डीडी हिल्स और मंदारागिरी हिल्स के बीच में, दोनों में बस 15 किलोमीटर डिफरेंस है. मंदारागिरी हिल्स 100 किलोमीटर दूर है बेंगलोर से. सो आपको 2 घंटा लगेगा पहुंचने में. ये एक जैन टेंपल है. मोरपंख के शेप में मंदिर बना हुआ है. 81 फीट इसकी हाइट है. इसके पास में ही मैडाला केरे लेक है, तो आप वो भी देख सकते हो. वहाँ पे भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो. मैडाला लेक जाने के लिए आपको 450 स्टेप्स चढ़ना पड़ेगा. साइड से भी एक रास्ता जाता है, लेकिन हम जब गए थे तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन था. आई डोंट नो कि वो अभी चालू हुआ है नहीं हुआ है. सो इसके बाद हम गए थे डीडी हिल्स. आपको ये मंदारगिरी से 15 किलोमीटर दूर पड़ेगा. यहाँ पे 750 स्टेयर्स आपको चढ़नी पड़ेगी. बहुत लंबी चढ़ाई है, 4000 फीट की ऊंचाई है इसकी, इस हिल की. तो थोड़ा सा मेहनत का काम है, बट एक बहुत अच्छा नेचर, क्लोज टू नेचर वाली फीलिंग आपको यहाँ मिलेगी. सारे स्टेयर्स आपको बिल्कुल जंगल में से निकाल के ऐसे ऊपर चढ़ने को मिलते हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो हमारा. यहाँ पे ऊपर चढ़ने के बाद आपको भोगा नरसिम्हा और लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल मिलेंगे. 5 बजे एग्जैक्ट पे क्लोज हो जाते हैं गेट्स, तो आपको उसके पहले ऊपर पहुँचना पड़ेगा. और आपको ऊपर पहुँचने में 1 घंटा भी लग सकता है, तो उस टाइमिंग के हिसाब से आप मैनेज करना यहाँ पे जब भी चढ़ना चालू करो. ये सारी डेस्टिनेशन प्लेसेज जो मैं बता रहा हूँ आपको, इनके वीडियोज आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे. डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी वीडियोज के लिंक्स भी डाल दिए हैं, तो ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आप वो डिटेल वीडियोज भी देख सकते हो. सो इसके बाद हमारी लिस्ट में नेक्स्ट है होगिनिकल फॉल्स. यहाँ पे आपको पहुंचने में 3.5 घंटा लगेगा, क्योंकि ये 130 किलोमीटर बेंगलोर से दूर है. बेस्ट टाइम यहाँ पे अक्टूबर से फरवरी के बीच में होता है. अगर आप रेनी सीजन में जाते हो तो मैसिव आपको फॉल्स देखने को मिलते हैं, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है. अगर आप नॉर्मल सीजन में जाते हो, जो कि मैंने बताया आपको अक्टूबर से फरवरी के बीच में, तो आपको कोरिकल राइड्स फॉल्स के बीच में से भी करने को मिलेगी और ज़्यादा टाइम आप वहाँ पे स्पेंड कर सकते हो. बट ये एक मस्ट टू विजिट प्लेस है 130 किलोमीटर बेंगलोर से, तो बिल्कुल आप जा सकते हो वहाँ पे. होगिनिकल फॉल्स इज़ अ मस्ट टू गो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन. सो 5वें नंबर पर हमारी लिस्ट में है चेन्नकेश्वर टेम्पल. ये सोमनाथपुर में है. सोमनाथपुर मैसूर से 40 किलोमीटर पड़ता है और बैंगलोर से 135 किलोमीटर पड़ता है. अगर आप मैसूर की ट्रिप बना रहे हो तो इस जगह को ज़रूर कंसिडर करें. चेन्नकेश्वर टेम्पल एक विष्णु टेम्पल है, हिस्टोरिकल साइट है, और होयसाला आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के अंदर प्रिजर्व जगह है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी कार्विंग्स वगैरह आपको देखने को मिलेगी. तो आप फैमिली के साथ यहाँ पे ज़रूर जाएं.
सिक्स्थ डेस्टिनेशन हमारी लिस्ट में है शिवाना समुद्र फॉल्स। यहाँ पे दो मेन वाटरफॉल्स हैं, एक तो है बाराचुक्की और एक है गगनचुक्की, दोनों आसपास हैं। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है, 75 मीटर्स की हाइट से गिरता है। बैंगलोर से 135 के आसपास किलोमीटर है, 3 घंटा लगेगा आपको पहुंचने में। एशिया का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे सेटअप हुआ था 1905 में, ठीक है। सो ये दोनों वाटरफॉल्स बहुत ही सुंदर है, बहुत बड़े हैं और भीड़ आपको मिलेगी यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा रास्ता है, सिंपल आप जाके बहुत अच्छे से विजिट करके एंजॉय कर सकते हो। इसके बाद सेवंथ प्लेस पे हमारा है श्रवण बेलगोला, ये भी एक जैन मठ है, बेंगलोर से 145 किलोमीटर पड़ता है, हसन डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। यहाँ पे भी यार आप थोड़ा जाओ ना तो धूप का ध्यान रखना, धूप में ना जाना पड़े क्योंकि यहाँ पे भी 750 स्टेयर्स आपको चढ़ना पड़ेगा, बट ये देखने लायक मंदिर है, इसको बाहुबली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप जब ऊपर चढ़ के जाओगे तो आपको 65 फीट ऊंची भगवान गोमटेश्वरा की मूर्ति देखने को मिलेगी। ये एक सिंगल पत्थर से बनी 65 फीट ऊंची मूर्ति है, तो ये देखने लायक जगह है। यहाँ पे भी आपको चढ़ने उतरने में करने में पूरा 3 घंटा लग जाएगा, कभी भी जा सकते हो। इसको हसन की किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो तो वहाँ से आते वक्त भी विजिट कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अब हम अगली जगह की तरफ। इसके बाद 8th डेस्टिनेशन हमारी लिस्ट में है येलागिरी हिल्स, कि बेंगलोर से आपको 160 किलोमीटर पड़ेगा, तमिलनाडु के एक हिल स्टेशन में से एक है, 3.5 घंटा आपको लग जाएगा पहुंचने में। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, यहाँ स्टे भी कर सकते हो, जिप लाइनिंग, जॉर्बिंग, इस टाइप की एक्टिविटीज़ मिलेगी। फिर यहाँ पे पंगनूर लेक है, वहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो, नेचर पार्क है, वहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन्स वगैरह इंजॉय कर सकते हो रात में, और पास में ही जलगम पराई वाटरफॉल है, वहाँ पे आप बहुत बढ़िया झरने में नहा सकते हो, बहुत सेफ़ है, रेलिंग वगैरह बनी हुई है, चेंजिंग रूम है, तो आप बच्चों के साथ में भी वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। येलागिरी में बहुत सारे बर्ड पार्क्स हैं, तो आप वहाँ पे बर्ड्स को फीड कर सकते हो अपने हाथों से, बर्ड्स आपको पूरा सब दूर से घेर लेती है, आपके ऊपर चढ़ जाती है और बढ़िया आप उनको आराम से फीड कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। तो ये भी एक जाने लायक जगह लगी, हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप ये वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हो, हमने अभी रिसेंटली इसको अपलोड किया है। तो येलागिरी में आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। 9th डेस्टिनेशन हमारी लिस्ट में है श्रीरंगपटना, ये बेंगलोर से 140 किलोमीटर दूर है और यहाँ से आगे मैसूर सिर्फ 20 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो इसको हमने मैसूर की ट्रिप के साथ में क्लब किया है। यहाँ पे श्रीरंगनाथ स्वामी बहुत फेमस और पुराना मंदिर है। इसके बाद आप टीपू सुल्तान पैलेस भी जा सकते हो, टीपू सुल्तान पैलेस में आपको बहुत ही पुरानी पेंटिंग्स दीवारों पे देखने को मिल जाएगी और भी उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पे भी आप ज़रूर जाएं। इसके बाद आप जा सकते हैं निमिसीमा टेम्पल, निमिसीमा टेम्पल बहुत ही पुराना मंदिर है और पास से ही कावेरी रिवर बहती है, तो आप मंदिर विजिट करने के बाद कावेरी रिवर में पैर डाल के बैठ के और टाइम स्पेंड कर सकते हो। क्योंकि मैसूर पास में है तो इसके बाद आप मैसूर पैलेस विजिट कर सकते हो। मैसूर तो वैसे भी पूरे वर्ल्ड में फेमस ही है, यहाँ का दशहरा खासकर बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैसूर पैलेस आप ज़रूर विजिट करिए, वहाँ पे नॉमिनल चार्ज है और उसके बाद आपको पूरा पैलेस विजिट करने को मिल जाएगा, तो आप वो भी ज़रूर करिए। लास्ट डेस्टिनेशन हमारी लिस्ट में है 10वें नंबर पे हसन। हसन बेंगलोर से 180 किलोमीटर पड़ेगा, यहाँ पे आसपास आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा प्रिजर्व हैं, जैसे कि हालेबीडू हो गया जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है, होयसला डायनेस्टी का बहुत पुराना मंदिर है, 11वीं और 14वीं शताब्दी में बना था ये। हालेबीडू बहुत ही सुंदर और पुराना मंदिर है, शिव मंदिर है ये, इसको देख के हम तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए थे क्योंकि हमने ऐसा मंदिर कभी भी देखा नहीं कहीं पे भी। हालेबीडू के अलावा भी बहुत सारे मंदिर हैं आसपास, जैसे कि लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल हो गया, ईश्वरा टेम्पल हो गया, केदारेश्वरा टेम्पल हो गया या भूचेश्वरा टेम्पल हो गया, ये सारे मंदिर भी आप विजिट कर सकते हो, सब आसपास ही पड़ते हैं, एक ही दिन में ये सारे मंदिर आप कवर कर सकते हो अगर आप टाइम का ध्यान रखो और जल्दी निकलो घर से। ऐसी कार्विंग्स हमने कहीं नहीं देखी थी, तो मेरे हिसाब से आपको भी एक बार देखना चाहिए। इसका वीडियो हमने जो बनाया है वो आप देख सकते हो, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। सो ये थी 10 डेस्टिनेशंस नियर बाय बैंगलोर जहाँ पे आप वन डे ट्रिप्स जा सकते हो और जिन डेस्टिनेशंस को हमने विजिट किया है। इन जगहों के अलावा हम और भी नई नई जगह जाते रहते हैं, जाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस भी मिलें। हमने जो जानकारी इस वीडियो में दी है, इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर पूछें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। हमारी ट्रिप्स की सारी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और इसे शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।